अब शायद पीडीपी की मजबूरी होगी कोर्ट में जाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो पहले आए नहीं। जब हम लोगों ने 5 अगस्त 2019 के खिलाफ कोर्ट में केस किया तो पीडीपी उस वक्त खामोश रही। हमें फिलहाल तो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा केस पहले ही कोर्ट के सामने है। अब उस वक्त की खामोशी की वजह से अगर पीडीपी को अब कोर्ट में जाना जरूरी लग रहा है तो बेशक जाएं, वो उनको ना कोई रोकेगा ना तो हम इसके खिलाफ कुछ कहेंगे। जहां तक बिल की बात है, हमें बिल से सबसे बड़ा इतराज दो चीजों पे है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने रीऑर्गेनाइजेशन पे अपना फैसला सुनाया ही नहीं है और ये लोग तब्दीली पे तब्दीली ला रहे हैं। उसके साथ साथ जहां तक नॉमिनेशन से सीट भरने का काम है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को इख्तियार दिया जाना चाहिए। ये जो बिल के तहत इन्होंने एलजी साहब को दिए हैं, इसमें सीधा सीधा ये शक पैदा होता है कि ये बीजेपी की मदद करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी इलेक्शन जीत नहीं सकती तो बैक डोर से ये अपनी सीटों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर इसमें फिलहाल कोई तब्दीली नहीं आती है तो इलेक्शन के बाद जब यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा इसको दोबारा से देखा जाएगा। हम एक मकसद के लिए तो आए ना, तो आप अलग अलग फंक्शंस कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शंस तो करते रहेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमारे अलग अलग मौकों, हमारे अलग अलग मतलब ख्याल, लेकिन जहाँ तक बड़े मकसद की बात है, जहाँ तक 5 अगस्त की बात है और हमारे साथ जो धोखा हुआ, उसके लिए हम मिल बैठ के बात करते हैं, हम मिल बैठ के उसका इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब हम अलग अलग सुप्रीम कोर्ट में गए, आप उस वक्त आपने एतराज़ क्यों नहीं किया? उस वक्त तो आपको उसमें कोई खराबी नहीं लगी। आज हम अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं और ये आपको ठीक नहीं लगता, कोई नहीं ना, हम अलग अलग प्रोग्राम जरूर करेंगे, लेकिन जहाँ तक बड़े मकसद की बात है उसके लिए हमारी कोशिश रहेगी कि मिल के अपनी आवाज़ जो है वो हम बुलंद करें। होम मिनिस्टर के बयान पे जिस तरह से उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलतियों की वजह से इतनी डिस्ट्रक्शन हुई है, फारूक अब्दुल्ला साहब ने जवाब दिया, मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। और कुछ सर, त्राल में जो आज जलसा मुनक्कद हुआ, फिर से एक नई शुरुआत, किस लिए आप ये कर रहे हैं? मैं अपने साथियों को आज के कन्वेंशन में मुबारकबाद कर देना चाहता हूँ। एक बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे लिए त्राल में एक नई शुरुआत है। मकसद इसमें लोगों के साथ मिल के बात करने का था और तंजीम को और ज़्यादा मजबूत करना है। जैसे मैंने कहा, अगले साल इम्तिहान आना ही है जी, उस इम्तिहान की तैयारी में आज हम लगे हुए। सर, आखिरी साल क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक बार फिर लोकसभा सीट से लेकर के लिए कैंडिडेट होंगे? हमने अभी कोई कैंडिडेट तय नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला साहब तंजीम के सदर हैं, जो उनका फैसला होगा हमारे सिर आंखों पर जी। अगर वो इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगे तो हमारे लिए उससे बेहतर कोई चीज़ या कोई उनसे बेहतर कोई कैंडिडेट हमें मिल नहीं सकेगा।